कौन सा इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर काजू बना सकता है पूरे इंडिया में? कोई इंजीनियर बताइए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पढ़ के आए, काजू बना क्या डिजाइन है? नहीं बनाया, बना ही नहीं सकता। उसकी डिजाइन देखिए क्या रॉयल डिजाइन है। लेकिन लेकिन वो जो बुनकर इसे बना रहा है वो बेचारा अपनी लुंगी पहन करके जंगल में मिलेगा आपको, उसका कुछ अभी नहीं है, खेती कर रहा है लुंगी पहन के, और वो अपने बच्चे को बुनकर नहीं बनाना चाहता। ये एक समस्या है इस उद्योग में। पूछिए इन लोगों से कितना ऑनर बनाते थे, आप कितना बना रहे हैं, बहुत फर्क आ गया। ऐसी बात है सर कि जो इंटरनेशनल मार्केट में एंड कंज्यूमर गलीचा उठाता है, उसके हाथ में अगर ईरानी आ जाए, बगल में इंडियन रखा है, उसके दिमाग में आता है सस्ता हो, इसीलिए बताए। मार्केट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो पूरा हस्तनिर्मित होता है, और हमारे इंडस्ट्री में 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और ये आज से नहीं कई दिनों से लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या है, कार्पेट इंडस्ट्री का जो हालत है, अब पहले जैसा नहीं कर गया और लोग बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ के जो लेबर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, और कुछ तो लेबर जो है वो बड़ी बुरी स्थिति में। तो इस कारण इसका ये है कि कारपेट का जो सेल है वो दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है। तो सर इसके लिए हम लोगों को कुछ गवर्नमेंट से अपेक्षाएँ हैं, अगर वो हम लोग को ध्यान में रख के दिया जाए, जैसे हम लोग का प्रोडक्ट GI प्रोडक्ट है, तो उसमें हम लोग का एक मांग ये है कि 5% अमूल को अगर इन्वॉइस पे GI की तरफ से बिजनेसमैन व्यापारी लोग कह रहे हैं कि अब GST नहीं होता तो हम इतना धंधा नहीं कर पाते। आज ये स्थिति ही आगे चल के किसानों के अगले साल तक ये स्थिति आने वाली है, किसान कहेंगे कि यही, और किसान पंजाब को छोड़ के कहीं किसान के मन में दुविधा नहीं है, वहाँ भी किसानों को दुविधा नहीं है, वो शाहीन बाग कल्चर चल रहा है आगे, और इनके पास पैसा है वो खर्च करके किसी भी तरह से ये सरकार का विरोध करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो ये विरोध चल रहा है किसानों का, तो गैर राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं? गैर राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं? नहीं, ये गैर राजनीतिक राजनीतिक का मतलब नहीं है, ये शाहीन बाग कल्चर वाले चला रहे, वहाँ ही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जाते हैं, वहाँ ही ये लोग कहते हैं कि ये जो जिसके पर केस चल रहा है जेल के अंदर है उनको छोड़ा जाए, उसका क्या मतलब है किसानों से? कोई मतलब नहीं है। कोई भी आंदोलन में ये घुस के पैसे वैसे खर्च करके ये सरकार को गिराना चाहते हैं। माना जाए देश बताएं, ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो पूरा हस्तनिर्मित होता है, और हमारे इंडस्ट्री में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और ये आज से नहीं कई दिनों से लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या है, कारपेट इंडस्ट्री का जो हालत है अब पहले जैसा नहीं कर गया, और लोग बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ के जो लेबर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, और कुछ तो लेबर जो है वो बड़ी बुरी स्थिति में। तो इस कारण इसका ये है कि कारपेट का जो सेल है वो दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है। तो सर इसके लिए हम लोगों को कुछ गवर्नमेंट से अपेक्षाएँ हैं, अगर वो हम लोग को ध्यान में रख के दिया जाए, जैसे हम लोग का प्रोडक्ट GI प्रोडक्ट है, तो उसमें हम लोग का एक मांग ये है कि 5% अमूल को अगर इन्वॉइस पे GI की तरफ से थोड़ा खड़ा करिए, जिला अध्यक्ष हैं, अरे कुछ हो बोलिए बोलिए, आशीष भैया, आशीष भाई बताइए। वैसे आज लखनऊ में आपके जो पार्टी थे राजभर, सहयोगी पार्टी थी राजभर, उनको हटा दिया गया है, वो लोग आज लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं और शिवपाल से मिलने जा रहे हैं। सर बोला पार्टी को किस तरह से नुकसान होगा या फायदा होगा, जो नया समीकरण बना रहे हैं? हमारे लिए कोई किसी से मिले ना मिले उससे फायदा नुकसान नहीं है, हम संगठन के आधार पर लड़ते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है।
जिसको जो करना है कर सकते हैं। किसानों के लिए किस तरह से आप कर रहे हैं? किसानों के लिए ये कल ही यहाँ इस एरिया में लिया गए हैं, देश भर में इसकी स्पष्टता के लिए सबको समझ आए, इसलिए पर में किसानों के हित में जैसे जीएसटी आया था तब बहुत ज़्यादा हंगामा मचा था, आज वही बिजनेसमैन व्यापारी लोग कह रहे हैं कि अब जीएसटी नहीं होता तो हम इतना धंधा नहीं कर पाते। आज ये स्थिति ही आगे चल के किसानों के अगले साल तक ये स्थिति आने वाली है, किसान कहेंगे कि यही, और किसान पंजाब को छोड़ के कहीं किसान के मन में दुविधा नहीं है, वहाँ भी किसानों को दुविधा नहीं है, वो शाहीन बाग कल्चर चल रहा है आगे, और इनके पास पैसा है वो खर्च करके किसी भी तरह से ये सरकार का विरोध करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो ये विरोध चल रहा है गैर राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं? गैर राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं? नहीं, ये गैर राजनीतिक राजनीतिक का मतलब नहीं है, ये शाहीन बाग कल्चर वाले चला रहे, वहाँ ही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जाते हैं, वहाँ ही ये लोग कहते हैं कि ये जो जिसके ऊपर केस चल रहा है जेल के अंदर है उनको छोड़ा जाए, उसका क्या मतलब है किसानों से? कोई मतलब नहीं है, कोई भी आंदोलन में ये घुस के पैसे वैसे खर्च करके ये सरकार को गिराना चाहते हैं। माना जाए ये देश विरोधी लोग हैं। हम जो कहते हैं कि इनको ये सरकार ठीक से काम कर पाए और किसानों का भी ठीक से काम हो, किसानों को लाभ हो, किसानों की आय दुगुनी करने की जो कल्पना है वहाँ तक अगर इनको क्रेडिट मिल जाए तो ये इनको रास नहीं आता। ठीक, अखिलेश यादव के बयान आया था सबका साथ सबका विकास करने वाली नेता, वही तोड़ रहे हैं।